रेत से चीनी अलग करना अकबर बीरबल की कहानी। एक बार बादशाह अकबर बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा देना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुँचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुँचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुँच गए। सभी ने देखा कि अब वहाँ सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।